हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ आंवले का सुगर फ्री मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये चटनी मीठी भी है और थोड़ी चटपटी भी है। फ्रेंड्स, आंवला किसी भी रूप में फायदा करता है और ये जो चटनी है वो बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हमने जो भी सामग्री डाला है वो घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री है। इस चटनी को हम रोटी, पराठा, पूरी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ फायदेमंद भी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाते हैं। आंवले की मीठी चटनी या आंवले का मीठा जैम बनाने के लिए हमें इन सब सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट ये है आंवला का पेस्ट। हमने आधा किलो आंवला को उबाल करके पीस करके इसे तैयार किया है। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम ये गुड़, जो 400 ग्राम है। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। गुड़ यानी कि जैगरी। इस चटनी के मसाले इस प्रकार हैं। ये हाफ स्पून व्हाइट नमक, हाफ स्पून काला नमक, हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट, ये 8-10 छोटी हरी इलायची और ये थोड़ा सा मरीच दाना जिसे हम ब्लैक पीपर भी कहते हैं। ब्लैक पीपर और इलायची को हम पीस करके डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस मीठी चटनी को बनाते हैं। फर्स्ट हम बिना फ्लेम ऑन किए ही आंवले को कढ़ाई में डालेंगे और उसमें ये जैगरी यानी कि गुड़ को डालेंगे। इन सबको हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। हम स्लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे पकाने से ये गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है और जलने का डर भी नहीं रहता है। हम इसी तरह चलाते हुए इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट में ये आंवला गुड़ में अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट बाद ये इस प्रकार पक गया है। अब हम इसमें मसालों को डालेंगे। ये अदरक का पेस्ट, काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाल के हम अच्छे से चलाएंगे और लास्ट में ये कुटी हुई काली मिर्च और इलायची के पाउडर को डालेंगे। इसे भी डाल के अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, और अगर पकाते टाइम इसमें से छींटे निकले तो इसे हम ढक ढक कर पकाएंगे और बीच बीच में चलाएंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। ये आंवला की चटनी थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है और कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। फ्रेंड्स, आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं जो एक प्रिजर्विटिव का कार्य करता है। ये हमारा आंवले का चटनी कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। देखिए ये कितना थिक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम स्टोर करके सर्दियों के दिनों में 1 महीने तक खा सकते हैं और अगर इसे हम फ्रिज में रखें तो 2-3 महीनों तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और ये चटनी टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आंवले की मीठी चटनी बनाने की रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक
एंड हमारे चैनल मिनी स्वीट डिशेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।